हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन स्टडी सेक्टर। दोस्तों, जिन लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि कब आरबीआई अपनी वैकेंट सीट्स निकालेगी, तो दोस्तों इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी है। अब बारी है एग्ज़ाम की तैयारी की। आप लोग प्रिपरेशन तो पहले से ही कर रहे होंगे, तो अब बारी है एग्ज़ाम के देने की तैयारी की। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि आरबीआई की ऑफिस असिस्टेंट 2020 के लिए नोटिफिकेशन जो उन्होंने रिलीज़ करी है, उसकी सारी डिटेल्स के बारे में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एग्ज़ाम डेट, फीस, सैलरी, एग्ज़ाम पैटर्न, ये सब क्या है। तो बस वीडियो को बिना स्किप करें देखें, वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अपडेट से अप टू डेट रहने के लिए और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट जो है वो 23/12/2019 से शुरू हो गई है और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन इसकी 16/1/2020 है। इसके प्री एग्ज़ाम जो है वो 14 से 15 फरवरी 2020 तक होंगी। मेंस एग्ज़ाम जो है वो मार्च 2020 को होंगे। जर्नल और ओबीसी के लिए इसकी फ़ीस जो निर्धारित की गई है वो 450 रुपये निर्धारित की गई है। एससी एसटी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस भी 50 रुपये निर्धारित की गई है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इसमें आपको मिली है 926। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपका किसी भी स्ट्रीम में 50% से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, किसी भी स्ट्रीम से आप हो, आपका 50% से पास होना बहुत ज़रूरी है। एज बिटवीन 20 to 28 ईयर आपकी होना चाहिए। इसके अंदर आप 20 से 28 साल तक के हों तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन स्कीम की बात करें तो प्री एग्ज़ाम में आपसे 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसको करने के लिए आपको टोटल 60 मिनट्स दिए जाते हैं। प्री क्वालिफाइड करने के बाद आप मेंस एग्जाम देते हो, जिसमें आपसे 5 सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ जर्नल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ जर्नल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसको करने के लिए आपको 135 मिनट दिए जाते हैं। मेंस के बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नाबार्ड की नोटिफिकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसमें सैलरी की, तो इस बार आपका बेसिक पे जो है वो 14,650 रुपये पर मंथ होगा। साथ ही आपको इसमें अदर पर्क्स, अदर अलाउंसेंस में मिलेंगे। अदर अलाउंसेंस जैसे कि डीए आपको मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंसेंस आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, सिटी कंपनसेंट्री अलाउंसेंस भी आपको मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेंस आदि सब इसमें आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर मुझसे कोई भी जानकारी देना मिस हो गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इससे ज़रूर नोटिफाई करवाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें और इस बार आरबीआई असिस्टेंट ऑफिसर आप ज़रूर बने। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई नोटिफिकेशन, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बाय बाय।